अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ एट योर होम्स। आई वेलकम यू ऑल इन द सेकेंड सेमेस्टर ऑनलाइन लेक्चर्स। टुडे इज 5th अगस्त 2020, लेक्चर नंबर 1, एंड द टॉपिक ऑफ फर्स्ट लेक्चर इज मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2x1 डिजिट नंबर्स विद कैरी एंड विदाउट कैरी। Yes, students, here is question number 1. Multiply 23 by 2. Multiply 23 by 2. 23, it is a two-digit number. 3 is ones and 2 is not 2 but 20. So, this is 23. This is two-digit number. By means you have to multiply it with 2. 2 is a one digit number. So how would you write it first in the vertical way? सबसे पहले आप इसे vertical way में किस तरह से लिखेंगे? Unit place या ones place के नीचे आप लिखेंगे 3 and tens place के नीचे आप लिखेंगे 2. So 2 tens and 3 ones will make 23. By means multiply and 2 is here under ones. ठीक है, 2 क्योंकि एक सिंगल नंबर है, सो 2 की प्लेस वैल्यू क्या है? वंस। अब आपने मल्टीप्लाई किस तरह से करना है, वर्टिकल वे में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? 2 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। सबको टेबल्स याद हैं? यस। अब आप लोग मुझे बताएंगे, 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 वंस आर 2, 2 टू आर 4, 2 थ्रीज आर 2 multiply by 3 is equal to 6. ये टेबल याद है सबको? Yes, 2 threes are 6. 6 will be written under ones. 2 ने 3 को multiply करके result दे दिया है. Now we are going to multiply 2 with this number 2. 2 ones are 2, 2 twos are 4. 2 twos are 4. क्योंकि ये 2 tens place का है, इसलिए इसका result भी tens place के नीचे यहाँ पे लिखा जाएगा। 2 twos are 4. So 23 को जब 2 से multiply किया है, तो ये without carry है। Without carry का मतलब ये है कि आपने कोई चीज़ भी दूसरे के ऊपर नहीं डाली है। 2 का direct answer 2 3 times 6 आ गया और 2 twos are 4. So this is 23 multiplied by 2 and the answer is 46. Yes students, here is the second question, question number 2. Multiply 23 with 4. Multiply 23 by 4. अब आपने 23 को 4 से multiply करना है. 23 एक 2 digit number है. 23 is a two digit number and 4 is a single digit number. So, जब आप इसको place value के accordingly लिखेंगे ones and tens के साथ, तो tens के नीचे ये 20 का 2 आ जाएगा and ones के नीचे क्या आएगा? This 3. So, 23 में 3 ones है और 2 tens है. Clear? By का मतलब maths में क्या होता है? Multiply. 4 ये मैंने 4 लिख दिया ones के नीचे. क्लियर? अब आपने 2 डिजिट नंबर को 1 डिजिट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है. 2 डिजिट नंबर्स को 1 डिजिट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है. सबसे पहले हमने इसे वर्टिकल फॉर्म में लिख दिया. वर्टिकल फॉर्म का मतलब क्या है? स्टैंडिंग पोजीशन में हमने इसे लिख दिया. ये स्लीपिंग पोजीशन में क्वेश्चन था, हमने इस क्वेश्चन को स्टैंडिंग पोजीशन में लिख दिया. क्लियर? सिमिलरली आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इस 4 को 3 के साथ भी और इस 4 को 2 के साथ भी. सबसे पहले आप 4 का टेबल पढ़ेंगे 3 तक. 4 का टेबल सबको याद है? यस, 4 वंस, 4 वंस 4, 4 टूस 8, 4 थ्रीस 12. 4 थ्रीस क्या है? 12. अब आपने यहाँ पे क्या चीज़ समझनी है, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि 12 क्या है? एक 2 डिजिट नंबर है. 4 थ्रीस आर 12 एंड 12 इज़ अ 2 डिजिट नंबर. इसमें 2 डिजिट्स आ रहे हैं. एक जो पहला डिजिट है वो वंस
कहलाता है और सेकंड डिजिट इज़ टेंस। इस 12 में 2 वंस है और 1 टेंस है, तो इस 2 वंस को हम वंस के नीचे लिखेंगे। ये है मेरा वंस, वंस के नीचे मैंने लिख दिया वंस का नंबर। वंस का नंबर क्या था? 2। अब इस 1 को कहाँ लिखना है? 1 क्या है? टेंस है, और यहाँ पर टेंस की क्या प्लेस है? ये वाली। तो मैंने इस 1 को, ये जो टेंस वाला वंस है, इसको मैंने टेंस के साथ यहाँ पे इसके ऊपर सबसे लिख दिया, और इसको मैंने इन सर्कल कर दिया। इन सर्कल का मतलब ये है कि इसके अराउंड मैंने सर्कल लगा दिया। इसको हम कहते हैं कैरी करना। कैरी करने का मतलब है कि किसी चीज़ को ले लेना। तो इस 1, ये जो 1 टेंस था, इसको टेंस ने ले लिया है, इसको वंस ने नहीं रखा, इसको टेंस ने ले लिया है। सो इसका मतलब है कि ये कौन सा क्वेश्चन है? कैरी वाला क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? विद कैरी, जिसमें टेंस ने 1 को कैरी कर लिया है। गॉट इट? ये क्लियर हो गया। ये है 1 और ये है 2, ये मिलके क्या बन गया? 12। अच्छा जी, 4 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई हो चुका है। अब 4 की टर्न है 2 के साथ। 4 की किसके साथ बारी है? 2 के साथ मल्टीप्लाई होने की बारी है। 4 का टेबल फिर से हम पढ़ेंगे। 4 वंस आर 4, 4 टूज आर 8, 4 टूज आर 8, 4 टूज आर 8, ये 8 है, 4 टूज आर 8, 8 तो हो गया। एक उसने कैरी भी लिया हुआ था, कैरी मतलब एक उसने अपने पास भी रखा हुआ था। कैरी हमेशा ऐड होता है, डू इट रिमेंबर ऑलवेज कि कैरी विल बी एडेड। 4 टू टाइम्स 8, 8 में 1 क्या करेंगे? ऐड करेंगे। 8 प्लस 1 जब आप करते हैं तो क्या आता है? 9। तो 9 कहाँ लिखेंगे? टेंस के नीचे। 9 कहाँ लिखा जाएगा? टेंस के नीचे। सो 23 मल्टीप्लाई बाय 4, आंसर इज 92। आंसर इज 92। 92 में 9 टेंस है और 2 वंस है। गॉट इट? जी स्टूडेंट्स, हेयर इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखें, मल्टीप्लाई 36 बाय 3। मल्टीप्लाई 36 बाय 3। अब आप सबसे पहले ये देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है, ये हॉरिजॉन्टल वे में लिखा हुआ है या वर्टिकल वे में लिखा हुआ है। हॉरिजॉन्टल पोजीशन होती है स्लीपिंग पोजीशन। तो क्या इसकी ये स्लीपिंग पोजीशन है? यस। हमारा क्वेश्चन किस फॉर्म में लिखा हुआ है? हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखा हुआ है। हमने सबसे पहले क्वेश्चन को किस में लिखना है? वर्टिकल फॉर्म में लिखना है। वर्टिकल फॉर्म मतलब स्टैंडिंग पोजीशन में आपने क्वेश्चन को लिख देना है। कैसे लिखेंगे? 36 मल्टीप्लाई बाय 3। अब आपने ये देखना है कि ये जो 6 है ये वंस है और 3 जो है वो टेंस है। जिससे मल्टीप्लाई करना है वो है 3, वो 3 वंस है। वंस के नीचे हमने 3 को लिख दिया। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने एक बात ये याद रखनी है कि जिसको मल्टीप्लाई करना होता है, 36 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, जिसको मल्टीप्लाई करना होता है, दैट इज़ कॉल्ड मल्टीप्लीकेंट। क्या कहते हैं? मल्टीप्लीकेंट। जिससे मल्टीप्लाई करना होता है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, सो 3 इज़ कॉल्ड मल्टीप्लायर। 3 को क्या कहते हैं? मल्टीप्लायर कहते हैं। जी यस स्टूडेंट्स, अब आप ये देखेंगे कि 36 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? सबसे पहले 3 ने मल्टीप्लाई होना है 6 के साथ। 3 का टेबल आपने 6 तक पढ़ना है। चलें जी, हम टेबल को लिख लेते हैं। वैसे तो आपको ज़बानी याद होगा, 3 वंस आर 3, 3 टूज आर 6, 3 थ्रीज आर 9, 3 फोर्स आर 12, 3 फाइव्स आर 15 एंड 3 सिक्स आर 18, 3 सिक्स आर 18। अब आपने ये देखना है कि आंसर क्या आ गया है। 3 को जब 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है? 18। 18 एक 2 डिजिट नंबर है। 2 डिजिट, इसमें 2 डिजिट्स हैं। 2 डिजिट नंबर में जो पहला डिजिट होता है वो वंस होता है और जो सेकंड डिजिट होता है वो टेंस होता है। वंस के नीचे आपने वंस को लिखना है। वंस के नीचे 8 है, ये है वंस का कॉलम। इसमें आपने क्या लिख दिया? 8 लिख दिया। वंस के नीचे वंस, वंस मतलब ये 8 हमने लिख दिया है। अब आपने टेंस के नीचे क्या है? 1। यहाँ ये है मेरा टेंस का कॉलम,
ये है मेरी 10 की पोजीशन। इसके नीचे मैंने क्या लिखना है, 1 लिखना है। अब 1 को मैं नीचे नहीं लिखूंगी, कहाँ लिखूंगी, ऊपर लिखेंगे। और ऊपर लिखने को कहते हैं कि हमने 1 को क्या कर दिया है, कैरी कर दिया है। कैरी कर दिया, कैरी मतलब उसको दे दिया है, टेंस वाले कॉलम को हमने अपना 1 दे दिया है। क्लियर, ये 1 ऊपर चला गया, ये 8 यहाँ पे वंस के कॉलम में नीचे आ गया। अब 3 की बारी है इस 3 से मल्टीप्लाई होने की। 3 6 से मल्टीप्लाई हो चुका है, अब 3 ने 3 से मल्टीप्लाई होना है और ऊपर एक कैरी भी है, ये आपने भूल नहीं जाना। 3 3s आर, टेबल देख लेते हैं, 3 3s आर 9, 3 3s आर 9, 9 अब मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगी जब तक के ऊपर से एक कैरी ऐड नहीं करेंगे। 3 3s आर 9, 9 में एक कैरी ऐड करें तो कितना बन गया, यस 9 प्लस 1 क्या हो गया, 10, 9 प्लस 1 क्या हो गया, 10। तो मैंने इस टेंस के कॉलम के नीचे क्या लिख दिया, टेंस। तो आंसर क्या आ गया, 108, या इसे कैसे पढ़ते हैं, 108। 36 मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर इज 108। जिसको मल्टीप्लाई करना था दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेंट, जिससे मल्टीप्लाई करना है इट इज कॉल्ड मल्टीप्लायर। और जो आंसर आता है, आंसर क्या आया है, 108। आंसर को हम कहते हैं प्रोडक्ट, आंसर को क्या कहते हैं, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट भी कहते हैं और मल्टीप्लीकेशन भी कहते हैं, मल्टीप्लीकेशन या रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन। क्लियर, ये स्टूडेंट्स, ये है आपकी होम असाइनमेंट। होम असाइनमेंट मतलब जो घर के करने का काम है, आपने खुद इन क्वेश्चंस को अपनी एचए रजिस्टर पे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, फर्स्ट ही क्वेश्चन नंबर 1, मैंने ये वर्टिकल वे में लिख के आपको क्वेश्चन दे दिए। 46 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 को मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ, 2 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, लेकिन आपने ये देखना है कि ये क्वेश्चन कैरी वाला है या विदाउट कैरी है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 क्वेश्चन आपकी होम असाइनमेंट है। इन क्वेश्चन को आपने अपने होमवर्क रजिस्टर के ऊपर सॉल्व करना है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको इनके आंसर्स बताऊंगी। आपने किसी से हेल्प नहीं लेनी है, इंडिपेंडेंटली खुद सॉल्व करने हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में अपने आंसर्स को मेरे बताए हुए आंसर्स के साथ टैली करना है, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि आपके आंसर्स इंशाल्लाह ठीक होंगे। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ्स, अल्लाह हाफिज़।